हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं और ये इंटरनेशनल ट्रिप आपको डोमेस्टिक ट्रिप से भी काफी सस्ती पड़ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा सूझबूझ और एक बजट की प्लानिंग करनी होगी। एक ऐसा देश जहां पर आपको कम बजट में बहुत सारा एंजॉयमेंट मिलने वाला है, एक ऐसा देश जहां पर आपको ढेर सारी एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा, एक ऐसा देश जो अपने धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है, एक ऐसा देश जो विश्व की सबसे खूबसूरत चीजों को अपने में समेटे हुए है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं भारत के करीब स्थित और बेहद ही खूबसूरत देश की सैर पर, जिसका नाम है नेपाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज हम आपको नेपाल की सैर कराएंगे। आज हम आपको आपके बजट के हिसाब से नेपाल को घुमाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कम खर्चे में आप नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, नेपाल बहुत ही खूबसूरत है। गर्मियों की छुट्टियाँ हो या सर्दियों की छुट्टियाँ, न्यू ईयर हो या फिर क्रिसमस, ये ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाना चाहता है। अगर आप कुछ एडवेंचर्स करना चाहते हैं, प्रकृति की गोद में बैठना चाहते हैं, कुछ शांत जगह पर घूमना चाहते हैं, तो नेपाल वन ऑफ द बेस्ट जगह है। नेपाल का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पर कब जाएं, कैसे पहुँचें, किस तरह से बुकिंग कराएं। दोस्तों, यहाँ प्रकृति बेहद ही खूबसूरत है और प्रकृति ने इसको बहुत ही अनोखे तरीके से सजाया है। 4-5 दिन की ट्रिप में आपको पता चलेगा कि आप स्वर्ग में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आने में कम से कम आपको 40,000 से 50,000 रुपए का खर्चा लगेगा, जिसमें आपकी फ्लाइट्स भी इंक्लूड होगी, रहना खाना भी और घूमना भी। आपको बता दें कि नेपाल की करेंसी भारतीय रुपए से थोड़ी सी सस्ती है, इसलिए आपको यहाँ थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर हम 62 पैसा देते हैं तो नेपाली करेंसी में हमें 1 रुपये मिलेगा। दोस्तों, नेपाल आप आराम से फ्लाइट से जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो 4-5 दिन का ट्रिप इनफ होगा और ये आपके बजट में भी होगा। और अगर आप ट्रेन से या बस जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 7 डे का ट्रिप रखना होगा, तभी आप नेपाल को अच्छी तरह से घूम सकते हैं। दोस्तों, नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का घर कहा जाता है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है जिसका बॉर्डर उत्तर में तिब्बत और पूर्व पश्चिम और दक्षिण में भारत से लगता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जबकि देश के दक्षिणी हिस्सों में उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्र है। जिस तरह से भारत के कई हिस्से जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम नेपाली संस्कृति से काफी प्रभावित है, उसी तरह नेपाल ने भी भारतीय संस्कृति और उसके तरीकों को काफी हद तक एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, तिब्बत की रहस्यमय दुनिया और भारत के भाप से भरे जंगलों के बीच बसा नेपाल काफी खूबसूरत है। बर्फ की चोटियां और शहरपाओं की ये भूमि कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियों का घर नेपाल में ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन जगह है। जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं या जो ट्रैकर्स हैं, उनके लिए ये जगह परफेक्ट है। दोस्तों, पर्वतारोहियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, नेपाल का सांस्कृतिक परिदृश्य अपने प्राकृतिक स्वरूप की तरह ही विविध है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत पवित्र स्थान भी है, जैसे लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान और निश्चित रूप से नेपाल में अवश्य घूमने लायक स्थान। दोस्तों, आपको बता दें कि आप यहाँ बहुत ही कम बजट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेपाल में हमको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। ट्रैकिंग के अलावा नेपाल अपनी काफी एडवेंचर्स लाइफ के लिए और एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। पैराग्लाइडिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग कुछ खास एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वन्य जीवन को भी नजदीक से देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीयों को नेपाल के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। दोनों देशों के बीच हुए हालिया समझौते के अनुसार आपका आधार कार्ड नेपाल में प्रवेश करने के लिए इनफ है। यानी आप भूमि सीमा पार कर रहे हैं तो आपको बस अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा। नेपाल में एंट्री करने के दौरान आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, नेपाल घूमने का सबसे अच्छा समय इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। नेपाल का एटमॉस्फेयर अच्छा है, इसमें 4 मौसम हैं, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। आपको अपना मौसम खुद डिसाइड करना होगा। दोस्तों, नेपाल में घूमने की बहुत सारी जगह है, जिसमें से काठमांडू घाटी भी है। नेपाल की राजधानी है ये।
काठमांडू मध्ययुगीन गलियों, हिंदू मंदिरों, बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। काठमांडू शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। काठमांडू भीड़ भाड़ वाला शहर है, शोर शराबे वाला शहर है, धूल भरा शहर है। यहाँ पर आपको वैरायटीज मिलेंगी। काठमांडू में रहते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काठमांडू दरबार स्क्वायर जरूर देखिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर आपको 2,500 से 3,000 रुपए में होटल स्टे इजीली मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पर आप कुछ धर्मशालाएं भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो पोखरा जरूर जाइएगा। पोखरा शायद नेपाल में अगली सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह है, जबकि पोखरा शहर काफी भीड़ भाड़ वाला और शोर शराबे वाला है। झील के किनारे का पोखरा शांति का प्रतीक है। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और कुछ पीसफुल समय अपनों के साथ बिता सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पोखरा झील के किनारे शाम को पूरी तरह से ठंड होती है। झील के किनारे झोपड़ियाँ और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप आसानी से बैठ सकते हैं, सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। हाथों में बियर हो और लवन का हाथ में हाथ हो तो क्या ही मजे। आई होप आपको ये जगह इंजॉय करने का बहुत सारा मौका देगी। काठमांडू शहर में आपको पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। इसी के साथ बौद्धनाथ स्तूप और स्वयंभूनाथ स्तूप भी आप देख सकते हैं। काठमांडू घूमने की कुछ दिलचस्प जगह है। और अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप थमेल बाजार का दौरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप बांदीपुर भी जा सकते हैं। बांदीपुर का प्राचीन नेवारी गांव अपने थोड़े अलग रास्ते के कारण अक्सर पर्यटकों को अच्छा लगता है। ये जगह देखने लायक है। दोस्तों, बांदीपुर नेपाल की प्राचीन नेवारी संस्कृति का जीवंत खुला म्यूजियम है। ये शहर कभी भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर रुकने वाला स्थान था। गांव में जटिल लकड़ी के काम वाले पारंपरिक नेवारी घरों की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। यकीन मानिए, यहाँ का एक्सपीरियंस किसी अन्य एक्सपीरियंस की तुलना में बहुत अच्छा है। दोस्तों, चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत की सीमा से लगे नेपाल के निचले इलाकों में स्थित चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये एक समय शाही शिकारगाह के रूप में काम करता था, लेकिन वर्तमान में 2015 में शून्य शिकार स्थल होने का गौरव हासिल इसने कर लिया है। अगर आप बुद्ध में विश्वास रखते हैं, उनकी आस्था में विश्वास रखते हैं, तो लुम्बिनी जरूर जाइएगा। लुम्बिनी वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। हमने सोचा कि हमारी नेपाल यात्रा में आपको लुम्बिनी जरूर ले जाए, इसलिए लुम्बिनी का जिक्र तो बनता है। वैश्विक महत्व का ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लुम्बिनी में हर साल हजारों बौद्ध लोग आते हैं। माया देवी मंदिर लुम्बिनी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पर बौद्ध समुदाय द्वारा निर्मित कई मठ, स्तूप और मंदिर भी हैं। आई होप दोस्तों, नेपाल की ये खूबसूरती आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।